हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लाए हैं बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर। कहानी का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कहानी दो बिल्लियों की है, कैसे वो अपने लालच के कारण बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं और फिर अपनी हिम्मत के बल पर अपनी जान बचाती हैं। तो चलो पढ़ते हैं ये मजेदार कहानी। मध्य प्रदेश में रीवा नाम का एक छोटा सा गांव है। किसी जमाने में वहां का बरगद चौराहा बहुत मशहूर हुआ करता था। उसी चौराहे के पास गांव के मुखिया जी का बड़ा सा मकान था। बरगद का वो पेड़ करीबन 90 साल पुराना था और बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षियों का घर भी। जीनी और जूजू नाम की दो छोटी बिल्लियां उसी पेड़ की खो में घर बनाकर रहा करती थीं। दोनों बहुत ही चंचल थीं, दिन भर भागती रहती। कभी बरगद की लंबी दाढ़ी पकड़कर झूला झूलती तो कभी मुखिया जी के घर की छत पर चढ़ जाती। कभी कभी तो वो दोनों उनके घर के अंदर जाकर हमार चौकड़ी में जाने लगती। एक दिन इसी तरह खेलते खेलते दोनों मुखिया जी के रसोई घर में पहुंच गईं। उन्हें वहां पर तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी। जीनी और जूजू ने सोचा कि हम रात को आराम से यहाँ आकर अपनी मनपसंद चीजें खाएंगे। पूरे दिन के इंतजार के बाद उन्हें अंदर जाने का मौका मिला। दोनों बिल्लियां अपना मन पसंद खाना चखने में लग गईं। बर्तनों को देखते देखते उन्हें मलाईदार दूध का भगोना दिखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध की मलाई में मुंह लगाया, गलती से फिसल कर वो दोनों उसमें गिर पड़ी। अब तो दोनों के होश उड़ गए। जीनी और जूजू को उस मलाई वाली दूध से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दोनों उसमें तैरने लगी। जीनी ने जूजू से कहा, बहन अब हमारा क्या होगा? जूजू बहुत हिम्मत वाली थी। उसने कहा, हमें डरना नहीं है बल्कि इस डर का सामना करना है। हम मिलकर कोशिश करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तैरते तैरते काफी देर हो गई, उन्हें कोई मदद नहीं मिली और लगातार तैरते रहने से दोनों ही थक गए। लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और तैरना बंद नहीं किया। सुबह होने को थी और थकान के मारे जीनी और जूजू का बुरा हाल हो गया था। जीनी तो बिल्कुल पस्त हो गई थी, लेकिन जूजू ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अगर हम तैरना छोड़ देंगे तो तुरंत ही डूब जाएंगे, इसलिए जब तक हो सके हमें तैरना ही होगा। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। जूजू ने जीनी को अपनी पीठ का सहारा दिया और तैरने लगी। अपनी हिम्मत को उसने अपनी थकान से ऊपर रखा। लगातार तैरने की वजह से वह मलाई भरा दूध मथकर मक्खन बनाने लगा। थोड़ी ही देर में उस दूध पर मक्खन की मोटी परत जम गई। जूजू ने जल्दी से जीनी को और खुद को मक्खन की मोटी परत का सहारा दे दिया। दोनों उस परत पर बैठ गई। अब जीनी और जूजू ने बर्तन के सिरे को कसकर अपने पंजों से पकड़ा और उसके सहारे उस दूध के भगोने से एक एक करके बाहर आ गईं। इस घटना के बाद जीनी और जूजू ने अपने कान पकड़े कि अब वो कभी लालच नहीं करेंगी और सावधान भी रहेंगी। जीनी ने जूजू का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी कोशिश से ही आज हम दोनों बहनें जीवित हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करने से हम अपनी हार को भी जीत में बदल सकते हैं, आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं।
तो दोस्तों कैसी थी ये कहानी? और ऐसी ही कहानियों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।